वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। हम आवरण सारी आप सभी लोगों का शेष अदीवी की फिल्म मेजर के डे नंबर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? हिंदी ऑडियंस आपको क्या हुआ भाई? ये मेरे समझ के बाहर है, क्योंकि हिंदी ऑडियंस भी मेजर भी नहीं देख रही है। पता नहीं इन लोगों को क्या चाहिए। चलो पृथ्वीराज नहीं देख रही है, विक्रम नहीं देख रही है, मेजर भी नहीं देख रहे तुम लोग। आई मीन क्या एक्सपेक्ट किया गया था एंड क्या हुआ? पहले दिन मेजर का जो ऑफिशियल कलेक्शन आया है हिंदी में वो 96 लाख रुपीज आया है। पर फिर हमने तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि इतना अच्छा वर्ड ऑफ माउथ होगा तो एटलीस्ट पहले दिन का कलेक्शन कहीं ना कहीं 1.5 करोड़ या फिर 2 करोड़ तो टच करेगा। लेकिन गाइज शोज जितने मिले उसमें भी पब्लिक ज्यादा करके फिल्म को देखने नहीं गई। एंड लेट्स सी आज दूसरा दिन क्या होता है मेजर के साथ। अब गाइस बात करेंगे कि एग्जैक्टली फर्स्ट डे, अब हिंदी वर्जन को साइड में रख दो ठीक है, अब इनका मन करेगा तो देखेंगे वरना अच्छी फिल्म उनके हाथ से जाएगी थिएटर में देखने के लिए, फिर ओटीटी पर देखकर ओ या यू सॉ मेजर, ओ गॉड आई एम फेंटिंग, व्हाट अ मूवी, यही करते रह जाओ तुम लोग। ओटीटी बन गया है अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, सिर्फ बड़ी फिल्में चलने वाली है, जो कोई बाकी फिल्में चलने का चांस लग नहीं रहा है। यहाँ पर बात करें गाइस यहाँ पर तो शेष अदीवी के करियर की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है ये एपी तेलंगाना में एंड बाप लेवल है कलेक्शंस के अकॉर्डिंग टू हिम। पहले दिन का अपना प्रेडिक्शन था कि ये फिल्म कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड 12 से 13 करोड़ के बीच में कमाएगी एंड द ऑफिशियल फिगर फॉर मेजर ऑन इट्स फर्स्ट डे एट द वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस इज 13.4 करोड़। 13.4 करोड़ इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाया है एट द वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस। तो पहले हम फर्स्ट डे का जो ब्रेकडाउन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं निजाम की, 1.75 करोड़, सीडेड 47 लाख, उत्तरांध्र 51 लाख, ईस्ट 35 लाख, वेस्ट 25 लाख, कृष्णा जिला लो 28 लाख, गुंटूर जिला लो 3 लाख रुपीज, ओके चलता है, नेल्लूर 19 लाख। इसी के साथ यहाँ पर एपी तेलंगाना का जो कलेक्शन आया है वो है 6.9 करोड़ रुपीज, 6.9 करोड़ रुपए जिसने मात्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कमाया, जो कि बहुत अच्छा कलेक्शन है। साउथ में ये फिल्म सुपर हिट हो चुकी है। बात करूं कर्नाटका की तो 75 लाख कमाए हैं, हिंदी कलेक्शन इस फिल्म का 96 लाख रुपीज आया है। यस फ्रेंड्स, 96 लाख इसने अपने पहले दिन पर यहाँ पर कमाए हैं। अब गाइस यहाँ पर ये जो नंबर है वो बहुत बढ़ना चाहिए। अगर पहले दिन 96 लाख कमाया है तो दूसरे दिन कहीं ना कहीं 2.5 या 2 करोड़ रुपए कमाना पड़ेगा इस फिल्म को। अब गाइस बात करते हैं कि ये फिल्म जो है वो मलयालम वर्जन में भी आई है, तो मलयालम वर्जन में इस फिल्म ने पहले दिन 4 से लेकर 5 लाख की कमाई की है, यानी कि पूरे इंडिया का ग्रॉस देख लूं तो यहाँ पर 8.65 करोड़ की कमाई की है इस फिल्म ने केवल इंडिया में डे वन। अब गाइस ये फिल्म यूएसए में थर्सडे को रिलीज हुई थी तो वहां पे प्रीव्यूज में इस फिल्म ने 2.10 करोड़ की कमाई की थी। एंड गाइस बात करूं फ्राइडे की तो थर्सडे फ्राइडे यानी कि प्रीव्यूज एंड डे वन मिला लूं तो यूएसए कलेक्शंस जो है वो है 3.77 करोड़ रुपीज। ऑस्ट्रेलिया माइट फिल्म ने 31 लाख रुपीज की कमाई की है। एंड गाइस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मेरे पास जो कलेक्शन आया है वो है 1.17 करोड़ का। अगर मैं मेरे हिसाब से चलूं तो पहले दिन का जो कलेक्शन है वो है 13.9 करोड़, ओके लेकिन मेकर्स ने दिया है 13.4 करोड़। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत सारी जगह है जहां पे कलेक्शन लोगों ने ऐड नहीं किया, क्योंकि वो लोगों ने बहुत सुबह जल्दी कलेक्शन दे दिया था, बहुत मतलब बहुत, आई थिंक 10-11 बजे, आई थिंक विक्रम देख रहा था तभी कलेक्शन लोगों ने ऑफिशियल पोस्टर बनाकर रिलीज करे, आई थिंक दे हैव नॉट कैलकुलेटेड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। विक्रम का भी, अरे विक्रम का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कलेक्शन आया है, तुम लोग देखो क्या बाप टोटल गया है, ओके कल बात करेंगे उसके बारे में। तो उन्होंने शायद वो ऐड नहीं किया है, इसीलिए 13.4 जो उन्होंने दिया है उसको देखकर चलते हैं। वो लोग जब बढ़ाएंगे तो अपन भी बढ़ाएंगे यहाँ से, ओके। तो अब गाइस बात करेंगे यहाँ पर हम लोग कि डे टू ये फिल्म क्या कर रही है। बोनांजा बाजूका मेरा भाई, तेलुगु वर्जन इज डूइंग सुपर बिजनेस, स्टुपेंडस बिजनेस बोल सकता हूँ मैं, बहुत ही मिनिमलिस्टिक ड्रॉप दिखाया है फिल्म ने। अब गाइस बात करते हैं ऑक्यूपेंसीज की, मॉर्निंग शो 40%, आफ्टरनून 58%, इवनिंग शोज अभी शाम चल रहे हैं 62%। बात करें हैदराबाद की तो हैदराबाद में 299 शोज है। तेलुगु की बात कर रहा हूँ मेजर की, जहाँ पे ऑक्यूपेंसी इज 83%, वेरी नाइस। बात करूँ बेंगलुरु की, 227 शोज 22% ऑक्यूपेंसी। चेन्नई की बात करूं 46 शोज 78% ऑक्यूपेंसी। विजयवाड़ा 78 शोज 54% ऑक्यूपेंसी। वरंगल 24 शोज में 13 शोज हाउसफुल थे। गुंटूर जिला लो 24 शोज 48% ऑक्यूपेंसी। वाइजैग 82 शोज 75% ऑक्यूपेंसी। मैं आज की बात कर रहा हूं सैटरडे की। निजामाबाद की बात करूं 4 शोज 78% ऑक्यूपेंसी। दिल्ली एनसीआर में तेलुगु शोज जो है
31 मिले हैं, 34% की ऑक्यूपेंसी है। मुंबई में भी 18 तेलुगु शोज है, 52% ऑक्यूपेंसी है। करीमनगर में 8 शोज है, 41%। महबूब नगर बताइए भाई, आ रहा है भाई तुम्हारा फेवरेट महबूब नगर, 4 शोज 64% ऑक्यूपेंसी है। एंड काकीनाडा में 16 शोज में 82% ऑक्यूपेंसी है। ऐसा लग रहा है कि आज भी आंध्र प्रदेश तेलंगाना के कलेक्शंस कहीं ना कहीं ग्रॉस फिगर में 5.5 से 6 करोड़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके गाइस, सो अब बात करेंगे कि एग्जैक्टली हिंदी में क्या चल क्या रहा है, कि बाप लेवल की फिल्म है भाई। तो मैं तो रोकने पर अपने आप को रोने से, इतना खतरनाक है। स्पेशली पीपल हु लिव इन मुंबई विल कनेक्ट अ लॉट विद द फिल्म। एंड मैंने मेट्रो में देखा फिल्म, और मेट्रो के बाहर से लोग फायरिंग किए थे, यू नो 26/11 के दिन। मेरे को इतना वो लग रहा था पिक्चर देखकर। मुंबई में इस फिल्म को मिले हैं 228 शोज, ऑक्यूपेंसी सिर्फ 17% की है। दिल्ली एनसीआर की बात करो, 242 शोज है, ऑक्यूपेंसी 16% की है। पुणे में 80 शोज है, 22% ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु में 38 शोज में 35% है, जंप देखने मिला है। हैदराबाद में 28 शोज में 35%। कोलकाता की बात करो, 65 शोज में 15%। कल से अच्छा खासा जंप मिला है। तो आज शायद ये फिल्म हिंदी वर्जन में 2 करोड़ के ऊपर कमाने की क्षमता रखती है। जब कल ऑफिशियल फिगर आएगा, जब लॉटरी खुलेगी, तब हमको पता चलेगा। यानी कि कल के आज के कलेक्शंस में, यूएसए कलेक्शंस में हटा दूंगा, तो इंडिया कलेक्शंस विल बी एब्सोल्युटली सिमिलर। पहला दिन इंडिया का 8.65 करोड़ था ना, तो आज भी ऑल थैंक्स टू द हिंदी वर्जन कलेक्शन कहीं ना कहीं 8 से 8.5 करोड़ आते हुए दिखाई दे रहा है। एंड गाइस, बात करूं ओवरसीज की, तो ओवरसीज कहीं ना कहीं 2 करोड़ ये फिल्म कमा लेगी। यानी कि दूसरे दिन कलेक्शन कहीं ना कहीं 11.5 से 12.5 करोड़ आएंगे। तो पहले दिन का कलेक्शन 13.4 करोड़, दूसरे दिन का कलेक्शन 12 करोड़ का एस्टिमेट है मेरा। तो 2 दिन में फिल्म कहीं ना कहीं 25 से लेकर 26 करोड़ कमाएगी वर्ल्ड वाइड, जो कि मेजर जैसी फिल्म के लिए एक अच्छा टोटल है। स्पेशली तेलुगु स्टेट्स में ऑलरेडी हिट हो चुकी है। कोलकाता की बात करूं गाइस, यहां पर 65 शोज है। अहमदाबाद की बात करूं, 79 शोज में 12% ऑक्यूपेंसी। सूरत में 50 शोज में 9% ऑक्यूपेंसी। नागपुर में 32 शोज में 18%, यानी कि ठीक ठाक चल रही है। बहुत भी मैं तारीफ नहीं कर पाऊंगा कि हिंदी वर्जन में इतना अच्छा कर रही है। अब गाइस बात करते हैं मलयालम वर्जन की, डिसअपॉइंटिंग। मैं सच्ची सुबह क्या बोला था, मत डब करो अपनी पिक्चर कोई लैंग्वेज में। मलयालम वर्जन मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 5, आफ्टरनून 4 एंड रात की ऑक्यूपेंसी 7% है। लुक एट दिस, कोच्चि में 26 शोज में 5% ऑक्यूपेंसी है। त्रिवेंद्रम में 33 शोज में 4% है। बात करो कोझिकोड की, 10 शोज में 8%। त्रिशूर में 14 शोज में 9%। यानी कि वही 7-8 लाख या 5 लाख भी कलेक्शन आया तो बहुत बड़ी बात है मलयालम वर्जन का। ओके गाइस, सो हिंदी का मेरा प्रेडिक्शन है 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 20 लाख कमाएगी ये फिल्म हिंदी वर्जन में। अगर उसके ऊपर आया तो भाई सोने में सुहागा है, लेकिन उस तरह की ऑक्यूपेंसी दिखाई नहीं दे रही है। एंड गाइस बात कर ओवरऑल की, वर्ल्ड वाइड प्रेडिक्शन है मेरा 11.5 से 12.5 करोड़ रुपया, जो मैं 12 करोड़ पकड़ के चल रहा हूँ। ओके गाइस, सो आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। फिर से कह रहा हूँ, मेजर नहीं देखी है जाके देखो, बहुत अच्छी फिल्म है। अब ये भी नहीं देखोगे हिंदी ऑडियंस तो क्या चाहिए भाई तुम लोग को, किसके लिए पैसा बचाया है? हाँ, अगले हफ्ते ऐसा क्या आने वाला है, जुरासिक वर्ल्ड के लिए पैसा बचाया ना? जुरासिक वर्ल्ड एंड चार्ली 777, ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है अभी। उन लोग ने पैसे बचा के रखे हैं, उनके कैलेंडर में लिखा है इसके को देखना है। वो अगले हफ्ते 2 पिक्चर है ना, वो दोनों बवाल बिजनेस करने वाली है, जुरासिक एंड चार्ली 777। ऑलवेज से स्टे कूल।